दोस्तों अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद कई लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं। मोहम्मद जुबैर को लगातार मोदी सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखते हैं और देश में जो नफरतबाजी फैलाते हैं उनको खत्म करते हैं। लेकिन अब उन्हीं जुबैर को दिल्ली पुलिस ने जेल में डाल दिया है। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को पहले पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसी को जानकारी भी नहीं है कि उनको कहां ले जाया गया है। अब इस मुद्दे ने तोल पकड़ना शुरू कर दिया है और लोग जुबैर के समर्थन में आ गए हैं और दिल्ली पुलिस की आलोचना कर रहे हैं। इसी को लेकर असादुद्दीन ओवैसी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, धर्म विशेष की भावनाएं भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार अल्ट न्यूज के प्रमुख मोहम्मद जुबैर के समर्थन में विपक्ष के कई नेताओं ने बयान दिए हैं। असादुद्दीन ओवैसी ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। मोइत्रा ने जुबैर को एक फैक्ट चेकर बताया है। असादुद्दीन ओवैसी ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जुबैर को बिना किसी नोटिस के अज्ञात FIR में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस मुस्लिम विरोधी नरसंहार के नारे लगाने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है, लेकिन अपराध की रिपोर्ट करने वाले और गलत जानकारी देने वालों पर मुकदमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जुबैर की गिरफ्तारी के तत्काल बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निंदा की है। उन्होंने कहा था, भाजपा की नफरत, कट्टरता और झूठ को बेनकाब करने वाले हर व्यक्ति उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और आवाज उठेगी। सच्चाई की हमेशा निर्पुंशता पर हमेशा विजय होती। दोस्तों, यही नहीं, अब दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतीक सिन्हा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेडिकल जांच के बाद जुबैर को किस अज्ञात स्थल पर ले जाया जा रहा है? ना तो जुबैर के वकीलों को बताया जा रहा है और ना ही मुझे बताया जा रहा है। हम उनके साथ पुलिस वैन में हैं। कोई भी पुलिस वाला कोई नाम का टैग नहीं लगा रखा है। दोस्तों, आप खुद सोचिए ये कैसी गिरफ्तारी है, जहां पर प्रतीक सिन्हा खुद कह रहे हैं कि मैं उस वैन में हूं, पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं, जिसके बारे में ना तो किसी को बताया जा रहा है। आप सोचिए कि आखिर ये क्या मामला है, ये कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने टैग तक नहीं लगा रखा है और बीजेपी सरकार क्या करना चाहती है? क्या देश में सच्चाई दिखाना भी गलत हो गया है? जुबैर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने एक ट्वीट पोस्ट किया। जुबैर को आज विशेष से दिल्ली द्वारा 2020 के एक मामले की जांच के लिए बुलाया गया था, जिसके लिए उन्हें पहले से ही उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी की सुरक्षा प्राप्त थी। हालांकि आज शाम लगभग 6:45 पे बताया गया कि किसी अन्य प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि जिन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है उसके लिए कानून के तहत अनिवार्य है। ना ही बार बार अनुरोध के बावजूद हमें FIR की कॉपी नहीं दी जा रही है, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में कानून चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।